इनिशियल पिकअप में कौन आगे निकल रहा है और टॉप एंड में कौन जीत रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में बाइक्स में मॉडिफिकेशन भी होने वाला है और लॉन्ग राइड्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मंडे से अपना राइड भी स्टार्ट हो जाएगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गया तो इस वजह से मैंने सोचा चलो संडे राइड एक्सप्लोर करके आते, सब दोस्त लोग को मिल के आते। और बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे भाई संडे राइड पर आ रहा नहीं है ये वो, तो ऑन अ पब्लिक डिमांड वो भी अपन पूरा कर रहे हैं। अभी गाड़ी का एयर प्रेशर कम था तो वो चीज़ पहला प्रॉपर उसको लेवल पे लाते, क्योंकि नहीं तो पीछे का टायर अगर सटकेगा ना भाई राइड शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अभी अपना भाई यहाँ पे पेट्रोल फ्यूल अप कर गाइस, हम लोग रील शूट कर रहे हैं तो तुम लोगों को मैं बताता हूँ हम लोग रील कैसे शूट करते हैं। वो देख रहे हो तुम लोग, वो हम लोग का कैमरामैन है और उसके आगे वाला कैमरामैन का पार्टनर है। और यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, और ये तरफ भी देख सकते हो अपना विजय भाई फुल मचाते हुए वन साइड, इसके पीछे हाँ भाई की स्माइल तो चेक करो। ये भाई मेरे को बोल रहा है चलो स्टार्ट करते, चलो चल। क्या हो गया भाई, इन तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। क्या बात है, बक मजा आ गया भाई। सो गाइज, अभी हम लोग ड्रैग रेस करने वाले हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो RS 200 और NS 200। ये वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे, पर पहले ड्रैग रेस करते हैं और देखते हैं स्टार्टिंग पिकअप मतलब इनिशियल पिकअप में कौन आगे निकल रहा है और टॉप एंड में कौन जीत रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से लेके कम से कम आगे जो ब्रिज है वहाँ तक हम लोग ड्रैग रेस करेंगे, ट्राई करेंगे कि टॉप एंड भी चेक कर सके हम लोग। तो एंड तक वीडियो वॉच करो, हर एक चीज़ तुम लोग को मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। A few moments later. तेरी तारीफ सुनाया है कोई हकीकत तू।
तेरा कोई फसाना है, कुछ जाने अगर कोई ना के तेरा दीवाना है भाई। क्यों ऐसा भाई बोर्ड वाई सब लेके भाई खड़े रहते हैं ऐसे टाइम पास? टाइम पास सही है भाई, ये फायदा है इसके लिए। हाँ सही है सही है। आशिक देख इधर बोर्ड लेके खड़ा हो गया। अगर मुस्कान ये वीडियो देख रही है तो तेरा आशिक को लेके जा इधर से, बोर्ड वोर्ड लेके घूम रहा है। मेरी मेरी अगली का भी नाम है मुस्कान, मेरी अगली का भी नाम मुस्कान है। ये देखो मिलते इन द हाउस भाई, बहुत बहुत पब्लिक। ए जगह वगैरह देखना किधर भी स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी कर रहा है। नितिन बॉडी दिखा, सिक्स पैक दिखा तेरा, वाह कसम। सो 10 CC NSB, एक RS 200 है, रुको मैं बताता हूँ, एक RS 200 है, एक BMW है इधर इधर, और एक NS 200 है। BMW देख खड़ी है, क्या बात है भाई की, ये नाच रही है भाई साथ, GoPro लगा के झूम रही है साथ में, बोले कौन सा भाई में आने पे हाथ ध्यान देना, बीट बजे कानों में, सब बोले नाचेंगे हम गानों में, अब कूदेंगे या फांदेंगे अपने नानों की ये बात नहीं है, सुनते हम जानो दे बहानों से, अब थोड़ा करीब तू आजा कैमरा मैन लेके, नाचेंगे साथ में भाई, देख यूट्यूबर लग रही है हम उसको साथ में, क्या बात है, मैं भी यूट्यूबर बन गया हूँ भाई आज से, आप लोगों के साथ में गाड़ी वाड़ी लेना, मुझे मोटो व्लॉगिंग करना है साथ में, हाँ गाना वाना चालू करके रखना है सबके लिए, अपने लिए भी यहाँ रखना है, और सगमे में नहीं पड़ना क्योंकि सगमे से है दूर तेरा भाई मशहूर होना है, इसीलिए तो हुड पे है गाड़ी का नाम, इसीलिए तो ना करते है, जो भी देखे भाई दो बार दोस्त लोग साथ में है, उनकी मैं बता रहा हूँ, RS 200 दिखती है बम्बलबी के जैसा उसका मॉडल, ट्रांसफॉर्मर पूरा दिखती है लुक, मुझको पसंद मेरे भाई की भी सुडिया, ट्रांसफॉर्मर वाली मॉडल है वो भी खड़ी देख, थोड़ा सा हाथ देख बजाज वाले भैया, थोड़ा गाड़ी के हाथ देख, थोड़ा गाड़ी का देख लेना ये कैमरा मैन, थोड़ा ये गाड़ी की तरफ घुमा RS 200 या अब पूरा देखो, उसके बाद थोड़ा मैं BMW पे लेके आता बात हूँ, अगर के भाई साथ देखो हम तो जात भाई, किसकी है गाड़ी आपकी है साथ, व्हाट्स योर नेम भाई, नाम तो बताना भाई, श्री राज भाई नाम तो बताना, मयूर सेलर सेलर यस या मिस्टर मयूर सेलर, आपकी गाड़ी मस्त है BMW, यही तो सफारी मस्त है, मुझे इसकी पूरी कतल दिख रही है भाई, एक फोटो ले सकते हैं, पूरी गाड़ी बहुत है या राइडिंग करेंगे हम साथ में है भाई, GoPro लगाए को साथ में, नाच क्या बात है भाई, घूम रही है साथ में, अब तो मेरा भाई भी अब व्लॉगिंग कर रहा साथ में, बोल रहे है दोस्त लोग झूमेंगे हम नाचेंगे गाएंगे, और लड़कियों पे पैसा कभी नहीं है खर्च करेंगे, पेट्रोल और भराएंगे यार गाड़ियों पे, कसम से हम पैसा ही लुटाएंगे लड़कियों से, अच्छा यही तो है गर्लफ्रेंड, नहीं करना बात, नहीं करना नट फ्रेंड, नहीं देना नंबर, नाम है बनाना तो इसको ले लो जान, सोना चांदी नहीं है चाहिए आपको साना, यो बहुत ज्यादा भाई टैलेंटेड भाई, सपोर्ट करो भाई को, भाई तुम्हारा क्या है बता दो ना, यूट्यूब का क्या है तुम्हारा नाम बता दे, क्यों भाई नया चैनल बनाया तो मेरा यही है, मैंने देखो लोगो बनाया खुद से अकेला, क्या बात है भाई, वर्ल्ड में ये मेरे को लेके जाना है अपना फेमस कराना बस भाई, जरूर होएगा तुम्हारा, जरूर होएगा भाई, ये चीज चेक करो भाई को, फुल सपोर्ट करो भाई, एकदम टैलेंटेड है, प्यार बरसाओ भाई के ऊपर, थैंक यू सो मच। सिग्नल लग चुका है, रुकते है भाई, इसका इनिशियल पिकअप एक नंबर है भाई, मेरे हिसाब से RC 390 और ये 310, शायद से RC 390 इससे आगे निकल सकते क्योंकि RC 390 भी मैंने राइड किया है, इससे ज़्यादा पिकअप है RC 390 का, बट इसका जो हैंडलिंग है और जो इसका ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब रोड से एकदम चिपक के चल रही है भाई, मतलब फील ही नहीं आ रहा है कि ऐसा गिरेगा, मतलब एक नंबर गाड़ी है भाई, मस्त है। ये देखो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, चेक करो, क्रेजी शिट है भाई, क्रेजी शिट, चेक दिस आउट ब्रो,
यहाँ पे देख सकते हो मामा यहाँ पे खड़े, मामा देख रहे इतना अमीर आदमी कौन जा रहा है। पूछा ये बाइक ऑन रोड कितने की पड़ी, तो भाई ने बोला कि अराउंड 5 लाख भाई के लग गए ये गाड़ी में। और भाई ने अभी शुरुआत किया, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, भाई को सपोर्ट करो यार ऐसे। मतलब बोलते ना, भाई बोल रहे थे कि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ ये सब। भाई ने मेरे को स्टोरी बताया, बहुत अच्छा लगा, मतलब भाई का स्टोरी सुन के इनडायरेक्टली मेरी खुद की स्टोरी भाई से रिलेट हो रही थी, मज़ा आता है भाई, एक नंबर है भाई आर। तो बाकी भाई संभाल के जाओ, साइलेंसर पकड़ के चेंज करना है तुम्हें। मजा आया, आवाज कैसा है? पुलिस में पसंद है सावधान, उधर पे स्लो की है ना, इसलिए मैं क्लच पकड़ पकड़ के आ रहा हूं। भाई अभी ड्रैग रेस कंटिन्यू करते, हुआ ही नहीं अपना। अरे क्या मजा कर रहा है भाई, नहीं हुआ भाई। गाइज अभी हम लोग पंचर के दुकान में गए थे, तो उसने बोला भाई आपके गाड़ी में 3-3 पंचर है, तो आपको टायर चेंज ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा ऐसे टायर चेंज करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो बर्नआउट मारते और तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं बर्नआउट, इन्जॉय करना ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते। गाइज अभी आप देख सकते हो इसका टायर बर्नआउट मार के पूरा जला दिया मैंने, अभी इसका टायर चेंज करते हैं और मैं तुम लोग को बता दूँ कि कौन सा टायर मैं डाल रहा हूँ मेरे बाइक के अंदर। ये देखो ये वाला टायर मैं अभी डाल रहा हूँ, जो कि है अपोलो, इसका 3 ईयर्स का वारंटी, इसका 3 ईयर्स का वारंटी भी है, जो कि मुझे कॉस्ट किया है 3600 बोला है, 3500 में हो जाएगा वो अपना काम। टायर कहाँ है अभी, तुम लोग ने बर्नआउट देखा रहेगा, तुम लोग को मज़ा आई रहेगी तो कमेंट करना। ये देखो टायर का ओपनिंग हो चुका है और ये टायर का ब्रांड है अपोलो अल्फा। ये भाई को तुम लोग पहचानते रह गए, अपने पहले वीडियो में भी थे।